हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 17, टाइम एक्सरसाइज 5 ऑफ क्लास 5। सो टाइम में हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय राहुल स्टार्ट्स डूइंग हिज वर्क एट 5:30 PM एंड कंप्लीट्स आफ्टर 1 hour 30 minute। नाउ व्हाट At what time does he complete his work? We have to answer that. Dear student, always remember when we have to tell the time after. At that time, we will add the duration of time in the time. मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने बजे राहुल ने जो work start किया था, उसमें उसने कितना time लिया, उस time को add कर देंगे। ये बताने के लिए कि उसने कितने टाइम पे उसे कंप्लीट किया है। तो यहां पे हम लिखेंगे राहुल स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5:30 PM। ओके, जब भी बेटा आपके पास टाइम आए तो आप कोशिश करना उस टाइम को 24 आवर्स में कन्वर्ट करने की। ओके, 24 आवर्स में कन्वर्ट करना हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो 5:30 PM को कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा उसमें 12 hours 00 minute, एंड इफ वी डू सो इट विल बिकम 17 hours and 30 minute। ओके, और ये आ जाएगा आवर्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इनको कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। जो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर उन्हीं में ही इनकी जरूरत पड़ती है। एडिशन में हम ना भी करें तो भी चल सकता है, बट हमें क्या है आदत पड़ जाती है, तो इसलिए हम इन्हें कन्वर्ट करके ही सोल्व करेंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चंस में से मार्क्स कटवाने में से। तो सो देन We write time taken to complete the work. काम पूरा करने के लिए कितना टाइम लिया उसने, that is equal to 1 hour and 30 minute. Okay, इसके बाद हमें क्या बताना है, he completed, अभी ये बताना कि वो किस टाइम पे कंप्लीट करेगा। ही कंप्लीट हिज वर्क एट इक्वल टू, उसमें क्या है ये जो टाइम है इसे प्लस कर देंगे 17 hours 30 minute में, प्लस करेंगे हम 1 hour 30 minute को, और ये जो टाइम आएगा ये आवर्स में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं दोनों को सेपरेटली लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक और आवर्स, एक और मिनट्स। आवर्स में 17 hours and 30 minutes है और दूसरी ओर 1 hour 30 minute है। देखो 30 + 30 होता है 60, और मैंने आपको बताया कि 60 मिनट हम कभी नहीं लिखते। 59 तक हम लिखेंगे, उसके बाद जितने भी मिनट होंगे उसमें से 60 माइनस करेंगे। अब 60 माइनस 60 तो हो गया 0। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम 60 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पे फिर प्लस करेंगे 17 में 1 ऐड करके 18 और 18 में 1 ऐड करके 19, तो ये आएगा 19 hours and 0 minute। और 19 आवर्स को अगर आपको पीएम के टाइम में लिखना है तो इसमें से 2 माइनस करेंगे डायरेक्ट, 19 में से 2 माइनस करके 17 और आगे वाला 1 हटा देंगे, विच मींस 7:00 PM ये टाइम आएगा। ओके, ऐसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, हियर वी विल सॉल्व द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Miss Gauri went to a market at 11:30 AM and returned after 2 hours 25 minutes. At what time did she return from the market? यहाँ पे वो 11:30 पे मार्केट जाती है, 2 घंटे के ड्यूरेशन वहां स्पेंड करती है, और कितने टाइम पे वो वापिस आई होगी एग्जैक्ट टाइम हमें बताना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे
मिस गौरी वेंट टू द मार्केट इक्वल टू 11:30 एम। एम टाइम है तो इसे कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, पीएम होता तो हम इसे कन्वर्ट करते। नेक्स्ट टाइम स्पेंड इन द मार्केट, मार्केट में कितना टाइम स्पेंड किया, दैट इज इक्वल टू 2 hours and 25 minutes, इतने मिनट का टाइम वहां पे स्पेंड किया। अब किस टाइम पे वो वापिस आई, शी रिटर्न एट, उसके लिए हम क्या करेंगे 11:30 में हम प्लस कर देंगे 2 hours 30 minute। ओके तो देखो आवर्स एंड मिनट्स जो है वो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे अलग अलग इनको ऐड करते हैं, लाइक इनके ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ पे आवर्स यहाँ पे मिनट, फर्स्ट वी हैव 11 hours 30 minute एंड सेकंड वी हैव 2 hours 30 minute, 30 plus 30 again 60 minutes नहीं लिखेंगे, 60 की जगह पे 00 minute लिखते हैं, 59 से ऊपर हो गया, और माइनस करेंगे इसमें से 60 तो 00 आएगा, और प्लस कर देंगे इसमें 1। ये ऐसा करते हैं क्योंकि 60 मिनट जो होते हैं वो 1 आवर हो जाता है, और 1 आवर हम आगे आवर्स में डाल देंगे। 11 प्लस 2 इज 13 प्लस 1 इज 14, तो ये 14 आवर्स हो गए कंप्लीट। 14 आवर्स मींस दिस इज इक्वल टू 14 आवर्स। ओके और 14 आवर्स है तो इसे हम ए एम पी एम में भी लिख सकते हैं, 14 जो है 12 से बड़ा है तो इसमें से हमें 12 माइनस करना होगा, अगर हमें ये बताना ही है, इसमें से 12:00 माइनस कर देंगे तो ये जो है पी एम में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 PM, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो Here, Nancy and Naina began their dance classes at the same time. दोनों ने अपनी dance class जो है same time पे शुरू की। Naina finished her dance class at 6:30 PM and Nancy finished 45 minutes before Naina. अब देखो ये before बताया गया है। Before में हम minus करते हैं और minus में आपको ध्यान रखना है AM PM का चक्कर पड़ता है तो इनको already 24 hours में convert कर लेना। At what time did Nancy finished her dance? तो ये बता करना है हमें, तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम लिखते हैं Naina finished at 6:30, whereas Nancy finished at, Nancy का जो dance है वो Nancy finished at, देखो जितना टाइम Nancy ने लिया है उससे 45 मिनट पहले हो गया, तो ये क्या लिखेंगे, टाइम कितना लिया था Naina ने, दैट इज इक्वल टू 6:30 पे PM का टाइम था 6:30 PM, इसमें से माइनस कर देंगे 45 मिनट्स को, क्योंकि पहले हुआ तो पहले वाले टाइम को माइनस करना होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ये जो टाइम है वो पीएम में दे रखा है, अब पीएम वाला टाइम गड़बड़ करता है तो इसलिए हम इस टाइम को कन्वर्ट कर देंगे इनटू 24 आवर्स, तो 6 hours 30 minutes को 24 में अगर कन्वर्ट करना है तो 12 प्लस करना पड़ेगा, और ऐसा करने के बाद हमें माइनस करना है इसमें से 45 मिनट्स को, तो अगर ऐसा करते हैं हम दिस विल बिकम, आवर्स ऐड कर लेते हैं पहले 12 में, दिस विल बिकम 18 आवर्स एंड 30 मिनट, इसमें से 45 को माइनस करना होगा। ओके ये 45 को भी 00 आवर्स 45 मिनट लिख लेते हैं,
एंड नाउ आवर्स एंड मिनट्स को अलग कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आवर्स मिनट्स, आवर्स में 18, मिनट्स में 30, आवर्स में 00 एंड मिनट्स में 45। Now you can see this number is bigger than 0, we will borrow, and here we write 2 and here we write 10, 10 minus 5 will be 5. This number is again smaller, so we will borrow 1 from hours and hours will become 17, but here in minutes we will take 60 minutes. 60 ko short hum 6 likh lete hain, 6 and 2 ko agar plus karte hain wo ban jayega 8. ठीक है, तो ये जो 2 मिनट्स थे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे, ये 8 मिनट हो गए, 8 में से 4 माइनस करते हैं तो दिस इज 4 एंड दिस इज 17, और 12 अगर वापस से माइनस कर लें तो दिस विल बी 5:45 पीएम। ओके, यहाँ पे आवर्स आएगा और हमने जैसे ही इसे माइनस किया दिस इज इक्वल टू 17 hours 45 minutes। ओके, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5:45 PM। ठीक है, PM कब लगेगा, AM कब लगेगा, आई होप कि आपको क्लियर होगा। जब भी 17, जब भी नंबर जो है 12 से बड़ा होगा आवर्स का, तब हम PM लगाते हैं और उसको पता करने के लिए हम माइनस भी करते हैं 12 को, ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मिसेस शर्मास ऑफिस स्टार्ट्स एट 9:50 AM एंड क्लोजेस एट 7:10 PM, फाइंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ हर ऑफिस। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ऑफिस स्टार्ट्स एट कितने बजे शुरू होता है, 9:50 पे AM। देखो खत्म कब होता है, ये खत्म आफ्टर होता है, ऑफिस क्लोजेस एट, क्लोज हो रहा है ये 7:10 PM पे। अब पीएम का टाइम है तो ये गड़बड़ करेगा, इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इनटू 24 आवर्स में, तो उसके लिए हम इसे में प्लस करेंगे 12 आवर्स और प्लस करने पे दिस विल बिकम 19 hours and 10 minutes, ऐसे जे कन्वर्ट कर लेंगे इसको डायरेक्ट। ओके, सो अब देखो हमें पता करना है कि कितना टाइम वो वहां पे स्पेंड कर रही है, उसके लिए हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो हम लिखाएंगे टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 19 hours 10 minutes माइनस 9:50। ओके, तो माइनस कर लेते हैं इनको फटाफट से, यहां पे लिखते हैं आवर्स एंड यहां पे लिखते हैं मिनट, आवर्स में हमारे पास 19 hours 10 minute एंड नीचे 9 hours and 50 minute, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, इसे माइनस नहीं कर सकते, वी हैव टू बोरो, 19 से छोटा 18 हो जाएगा। अब जब यहां पे हम कैरी देंगे तो वो आएगा 6। ओके, और उसे 6 लिखना ही नहीं है, उसमें ये नंबर को प्लस भी करना है, 6 and 1 7 7, में से 5 माइनस किए तो 2 आ जाएगा, 18 में से 9 माइनस करके 9 ही आएगा, सो दिस विल बिकम 9:20 hours जो है वो स्पेंड कर रही है वहां पे ऑफिस में, मतलब 9 घंटे 20 मिनट का टाइम जो है वो स्कूल वहां पे अपने ऑफिस में है स्पेंड कर रही है। ओके, सो आफ्टर दिस वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ बस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा स्टार्ट्स एट 8:10 AM फ्रॉम दिल्ली and reached Agra at 12:30 PM. Okay, find the time duration of the journey from Delhi to Agra.
तो फिगर बना लेते हैं इनकी, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे आगरा है। दिल्ली से जो बस है वो स्टार्ट होती है 8:10 पे AM, मतलब मॉर्निंग में, और वो आगरा पहुंचती है 12:30 पे PM में, PM मतलब दोपहर के टाइम में। अब कितना टाइम लगा ये पता करना है। ओके सो विल राइट सॉल्यूशन, बस स्टार्ट्स एट कितने बजे स्टार्ट हो रही है, दैट इज 8:10 AM। ओके एंड बस रीच्ड एट, बस पहुंच रही है दैट इज 12:30 PM। PM का टाइम है तो इसे कन्वर्ट करना होगा, और 12 तक तो कन्वर्ट करने पे भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि PM का टाइम है। 12 के ऊपर अगर टाइम जाता है PM वाला तो उसे कन्वर्ट करने पे नंबर जो है चेंज हो जाएगा। मतलब अगर 12 अगर 1 PM है तो उसे 13 PM लिखा जाएगा, 12 तक तो सेम ही चलेगा। तो हमें ड्यूरेशन पता करना होगा, सो वी राइट टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 12:30 माइनस 8:10। ओके इसको माइनस कर देंगे, सेम हम आवर्स और मिनट्स को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे आवर्स आ जाएगा, यहाँ पे मिनट आ जाएगा। आवर्स में हमारे पास आएगा 12:30, 8:10। माइनस करते हैं, 0 में से -0, 3 माइनस 2, 3 में से 1 माइनस करके 2, एंड 12 में से 8 माइनस करके 4। सो दिस विल बिकम 4:30 hours। ओके मींस 4:30, इतना टाइम जो है उन्हें ये डिस्टेंस को कवर करने में लगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, इफ यू लाइक द वीडियो आई विल फील हैप्पी। थोड़ा बहुत अच्छा लग ही जाता है। अगर आपको समझ आया हो देन लाइक एंड शेयर, अगर नहीं समझ आया हो तो इट्स ओके, सॉरी फॉर दैट।